स्वागत है आप सबका म्यूजिक क्लासेस में। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस पर हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं उस पर हिंदी शब्दार्थ होता है। उसका शब्द जो अगर आपको अर्थ अगर पता चल जाए, उसका मीनिंग अगर पता चल जाए, तो आप हिंदी को आप सही से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सब भाषा जितना भी भाषा है ना, सबका क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ आप जब तक अर्थ नहीं जानेगा तो आप पहले पढ़ना पाएगा, समझ में आएगा नहीं। अगर अर्थ आपको अगर पता चल जाए तो फिर आपको क्या कहता है वो जो पैराग्राफ है, जो अनुच्छेद है, जो वाक्य है, तो क्या शब्द है, तब आपको समझ में आएगा। तो शब्द अर्थ आपको याद होना एकदम मस्ट है, बहुत बहुत जरूरी है। देखो तो हम क्या इस चैप्टर का शिष्य, शिष्य माने क्या होता है? चेला। शिष्य माने चेला। इस शब्द का जो प्रयोग होता है अभी बहुत थोड़ा कम होता है, लेकिन पहले के जमाने में इसका बहुत प्रयोग होता था। अभी स्टूडेंट विद्यार्थी आदि शिष्य किसे कहते हैं? जैसे माना कि हम आपको पढ़ाते हैं, हाँ आपको पढ़ाते हैं, शिक्षक हो गए, गुरु हो गए, और आप लोग क्या हो गए? मेरा शिष्य हो गए, चेला हो गए। तो अभी नहीं, अभी तो हमें क्या, हम टीचर कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। पहले के जमाने में जब गुरुकुल में पढ़ाया होता था, लेकिन अब जो बच्चे उसके पास पढ़ता था उस गुरु के पास, तो सारा का सारा उसको क्या कहते थे? शिष्य कहलाते थे। या फिर जैसे महात्मा बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध ने जो अपने धर्म का, जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार कर रहा था, जो जो महात्मा बुद्ध ने जिसको उस बौद्ध धर्म के बारे में बताया और जिसने उस कबूल किया, यानी जो उस पर चला, यानी किस पर? बौद्ध धर्म पर चला, बौद्ध धर्म को जो मान लिया, तो वो सारा का सारा किसके? गौतम बुद्ध के क्या हो गए? शिष्य हो गए। समझ आ रहा है? इस प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस दुनिया में, ठीक है ना। वो जिस जिसको दिन के बारे में बताया और जो माना उस दिन को, जो कबूल किया, वो सारा सारा क्या हो गया? शिष्य। समझ गया ना? शिष्य, ठीक है नहीं, गुरु शिष्य। तो सिंपल में हम समझो कि हम आप गुरु हो गए और आप जो जो सीखता हमसे, जो हमसे पढ़ता, वो क्या हो गया? शिष्य हो गया। राह माने रास्ता, राह माने रास्ता। जिस पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ से कौन से, यहाँ से एक राह है, कहाँ से जाने के लिए? बिगोर जाने के लिए एक राह है। कहाँ से? कसवाटोली से बिगोर। इस राह से जाओगे, इस रास्ते से जाओगे, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? बिगोर पहुंच जाओ। रामन रास्ते विकराल माने भयंकर, विकराल माने क्या होता है? भयंकर। जैसे आपको हम एक तो बता रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा कहानी को लानता है। जैसे चंगेज खान सुने हो? थोड़ा सा चंगेज खान, थोड़ा सा चंगेज खान हल्का सा बता रहे हैं, मान लो कि भारत है, तो भारत में यहाँ इधर वहाँ की पड़ता है चाइना, कहाँ पड़ता है? इधर क्या पड़ता है? चाइना। तो चाइना के इधर 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 ये एक चंगेज खान था। कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान एक राजा था, बादशाह था चंगेज खान। ये क्या करता था? जिस देश पर ये आक्रमण करता था वहां के लोगों को पकड़ता था, उसका डायरेक्ट गला काट देता था, गला काट के उसमें क्या करता था? एक त्रिशूल या उसका ऐसे घोप कर रखता था, माथा सबको एक तलवार या कुछ ले लिया, उसको क्या करता? माथा सबको घोप करके, या फिर माला बनाता था किसका? कुंडी सबका, माथा सिर का, माथा उसका माला गुना रखता था। और जो सेना, जो उसका सेनापति था, जो ज्यादा लंबा माला लाता था, जिसका ज्यादा मतलब जिसका ज्यादा सिर होता था, तो उसको पुरस्कार देता था, क्या देता? इनाम देता था। और जिसके पास कम होता था ये माथा, जिस सेना के पास, हे तुम कहाँ काटे, उसका भी काटता था, उसको भी घुसा देता था, ऐसा करता था। तो वो क्या था? वो भयंकर शासक था। क्या था? वो विकराल शासक था। कौन? चंगेज, चंगेज खान विकराल शासक था, है कि नहीं। तो उसके बारे में आता है कि जब वो 10 साल मर गया, मरने के बाद भी 10 साल में उसका राज्य में कोई भी परिवर्तन हुआ था नहीं, कोई चेंज हुआ था नहीं, है कि नहीं। इतना उससे लोग डरता था कि भयंकर शासक ना आ जाए, विकराल शासक ना आ जाए, क्योंकि जैसे वो पकड़ेगा तो वो कुछ काटाकट हाथ में नहीं काटेगा, डायरेक्ट मुंडी काटेगा और उसको उसमें माला में गुथ लेगा। फिर अंगुली माल भी डाकू था, वो भी क्या था? विकराल डाकू था, विकराल डाकू था। तो बहुत बड़ा कहानी है, आगे चलो। बैकुल मतलब बेचैन, जैसे अगर हम लोग मतलब अभी बिन्नी काट ला के, बिन्नी और कोई चीटी काटता था, हम क्या होता एकदम सर काट लिया, व्याकुल में बेचैन होना, एकदम दिल में उतर पुतर होना, व्याकुल होना, बेचैन होना, है कि नहीं। दूसरा क्या? सदा माने हमेशा। इसलिए हम जानते हैं कि ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये संसार जो है, ये सदा के लिए रहेगा नहीं। इसलिए जो भी पाप गुना, जो भी कुछ बुरा या अच्छा करोगे, तो उसको समझ के करो कि ये दुनिया सदा के लिए रहेगा नहीं, सदा के लिए हमेशा के लिए हम लोग कारण है उस दुनिया में रहना, जन्नत या दोजख में। आगे दृष्टि में नजर, दृष्टि में जिसमें क्या नजर, एक नजर, एक नजर, एक नजर, इसमें क्या दृष्टि नजर। चिंता माने फिक्र, चिंता में क्या फिक्र, जैसे माना कि मेरा भाई मुंबई से आ रहा है, माना इधर मेरा भाई मुंबई से आ रहा है, मैंने आपको पता चला मुंबई से आ रहा था, उसे क्या हो गया? चिंता हो गया, फिक्र कि मेरा बेटा किसी तरह क्या सही सलामत कहाँ पहुँच जाए,
घर पहुंच जाए, चिंता फिक्र ना पहुंच जाए, है कि नहीं? तो क्या चिंता फिक्र करना, दुनिया में संसार भू पृथ्वी वर्ल्ड है कि नहीं? संसार में क्या बहुत सारे देश है, प्रतिज्ञा प्रतियों कसम प्राण लेना कि प्रति मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं गणित में एक अच्छा शिक्षा बनूंगा, प्रण कसम चिंतित मतलब सोच में पड़ा हुआ, हाँ परीक्षा दे के आए हैं रेलवे का सरकारी नौकरी का, कैसा अंक आएगा कैसा मार्क्स आएगा, तो सोच में पड़ा हुआ है सोचल है ऐसी, है कि नहीं? कोई दुकान कोई होटल खोला उसे 4 लाख टका नुकसान हो गया, तो अब चिंतित में है, सोच में 4 लाख टका होता तो 2 रूम मेरा हम बना लेते, नुकसान हो गया, चिंतित में ना पड़ा, सोच में पड़ा हुआ इसकी मैं पैसा कर रही हूँ, निशस्त्र बिना शस्त्र के, जैसे आपको हम पढ़ाते कोई शस्त्र है कोई लाठी वाड़ी भी नहीं है, इतना अच्छा चीज है, हम मारते भी नहीं कभी, लेकिन बिना शस्त्र के अंदर कोई हथियार नहीं होना, कोई बंदूक मशीन गन तलवार चाकू कुछ ना होना, तो उसको क्या कहता है बिना शस्त्र, ठीक है? बिना हथियार के, बिना हथियार युक्ति बना उपाय गणित बना रहे, गणित बना गणित बना के एलसीएम बना रहे, बनता नहीं, अचानक एक युक्ति आया एक उपाय आया कि हाँ सर ने बताया था लिस्ट को बनवा डी पुल सबसे छोटी सी जाते हम क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं, और कष्ट ना दुख, कष्ट में क्या हुआ दुख हुआ, इस प्रकार ये रसी है जापान अमेरिका वालों ने प्रथम युद्ध जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था अमेरिका वालों ने किसको मारा था जापान वालों को मारा था, तो हम लोगों को क्या हुआ था कष्ट हुआ दुख हुआ, अभी रशिया वालों ने किसको मारा यूक्रेन को मारा, बहुत सारे लोगों को यूक्रेन के लोगों को मार दिया, तो हम लोगों को पता क्या हुआ कष्ट हुआ दुखी हुआ कि क्यों बेचारा को मार रहा है, ठीक है? नहीं तो कष्ट मैंने दुख होना, त्याग मैंने छोड़ना, त्याग मैंने कोई चीज को छोड़ देना, जैसे आज से हम क्या करना गाना गाना त्याग कर दिए, आज से हम नाचना त्याग कर दिए, आज से हम क्या करना गलत बोलना त्याग कर दे, कोई चीज को छोड़ देना, ठीक है? नहीं एफडी कट इंग्लिश में क्या कहते हैं एफडी कट, समझ गए?